न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज के न्यूज रीडर रहे वकील अहमद खान का शनिवार को प्रातः 9 बजे लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में 4 दिन चले इलाज के दौरान हुआ निधन। दवा कारोबारियों, डॉक्टर और मीडिया से जुड़े लोग हुए शोकाकुल, दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की चुनौतियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा। कहा, बाहर से आने वाले श्रमिकों को करें क्वारंटाइन, जिससे वायरस को रोकने में मिल सके मदद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, मंडल में कुल 27 केस कोरोना पॉजिटिव, जबकि 1 की हुई मौत, 13 ठीक होकर जा चुके हैं घर। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने शनिवार को रसूलपुर, अजय नगर एवं झरना टोला का किया निरीक्षण। पूरे क्षेत्र में साफ सफाई के साथ सैनिटाइज करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त और डीआईजी ने किया नौसड़ जीरो प्वाइंट कालेसर का निरीक्षण। कहा, कोई भी श्रमिक न जाए पैदल, उनको घरों तक पहुंचाने के लिए है बसों की व्यवस्था। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की स्थिति का लिया जायजा। जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी रेलवे सहित संबंधित अधिकारियों ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी प्रवासी मजदूरों को उतारने की तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पूर्ति विभाग की लापरवाही और राशन के कोटेदारों की मनमानी से कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा है मानक के अनुसार राशन। इलेक्ट्रॉनिक कांटा की जगह मैनुअल कांटा से हो रहा है राशन का वितरण। डीएसओ ने कहा, मिली शिकायत तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर चल रही 16 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से शनिवार को लगभग 23,000 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर। थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर योगी सरकार को दिया धन्यवाद। स्टेट बैंक की अपनी नई मोबाइल एटीएम सेवा का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने फीता काट कर किया उद्घाटन। झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। तिवारीपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। जिलाधिकारी, सीडीओ, जीडीए, वीसी सहित संबंधित अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। ट्रेनों से आ रहे मजदूरों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में शनिवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल ने लोगों से की अपील, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।